प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा के मुताबिक देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मरक्षा के गुर सीख रही इंदौर की लड़कियां, देश के कई शहरों में प्रतिनिधित्व करने के बाद अब जूडो कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए थाईलैंड जाएंगी, जहां इस कंपटीशन में आत्मरक्षा के दांव पैच लगाए जाएंगे। दरअसल इंदौर के अन्नपूर्णा क्षेत्र में स्थित एलिट स्पोर्ट्स एकेडमी में जूडो कराटे, ताइक्वांडो, स्काई, कोशी की मार्शल आर्ट्स जैसे आत्मरक्षा के खेल सीख रहे बच्चे अभी तक गोवा, दिल्ली, नैनीताल, ग्वालियर, भोपाल, शिमला, जबलपुर, जम्मू सहित कई शहरों में जाकर मध्य प्रदेश व इंदौर का नाम रोशन कर चुके हैं। अब एलिट स्पोर्ट्स एकेडमी के अभय लश्करी के नेतृत्व में इंदौर के ये जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट्स जैसे गेम्स के खिलाड़ी आगामी सितंबर 2021 में होने वाली ताइक्वांडो सोतोकोई कराटे एसोसिएशन द्वारा आयोजित थाईलैंड में इंदौर का प्रतिनिधित्व एलिट स्पोर्ट्स के बच्चे करेंगे। इंदौर से ब्यूरो राकेश सचर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। पता है आपकी गुड़िया थाईलैंड जा रही है आगामी समय में जी, कैसा देखते हैं आप, किस तरह से देखते हैं? वो तो गर्व महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, और अमीर अस्करी सर जैसे कोच साहब बहुत ये चुनी है, क्योंकि आए दिन मैं देखता रहता हूँ कि जैसे बच्चों का बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसको देख के मैंने अपनी गुड़िया को इस चीज़ में डाला। और मैं तो आने वाले समय में ये भी कहना चाहता हूँ कि हर बच्चे को ये करना चाहिए। जैसा कि आपके बच्चे ने बताया कि आप जेसीबी मैकेनिक हैं, मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं जी, कैसे देखते हैं आप इसको, अपने बच्चे को कहाँ, किस मुकाम पे देखना चाहते हैं आप? मैं ये देखना चाहता हूँ कि बच्चा कुछ आगे करे, समाज का नाम रोशन करे, और सबका परिवार का सबका उत्साह बढ़े। और मेरे परिवार में सब ऐसा सोचे कि यार अच्छा करना चाहिए इस चीज़ को, लड़कियों को आगे बढ़ाना, हर लड़की को बढ़ाना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र गारू है। आपकी उड़िया बताएं आप, किस तरह से कौन कौन से गेम सीखते हैं, कितने साल हो गए आपको? मैं कराते और फेंसिंग खेलती हूँ और मुझे 3 साल हो चुके हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं कराते और फेंसिंग खेलने के? कराते और फेंसिंग खेलने से यह फ़ायदा है कि हमें गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है और हम किसी और को भी ये एक्टिविटी सिखा सकते हैं। अभी क्या एक आत्मनिर्भर योजना चल रही है प्रधानमंत्री जी की, तो क्या मतलब लड़कियां इससे आत्मनिर्भर भी होती है क्या? जी। किस तरह से आप किस कैसे सीखते हैं इस गेम को, क्या करना होता है इस गेम को सीखने के लिए? जी, इस गेम को सीखने के लिए अगर अपने अंदर सीखने के एक अंदर से ही वो होती है तो अपन सीख सकते हैं। अभी आपका कहाँ का दौरा है और कहाँ का फिर क्या है अभी? जी, अभी हम लोग थाईलैंड जाने वाले हैं सितंबर में, और हम लोग बहुत सारी जगह खेल चुके हैं, गोवा, कन्याकुमारी। कहाँ? गोवा, कन्याकुमारी, थाईलैंड वगैरह। कौन ले जा रहे हैं आपको थाईलैंड और किस तरह से वहाँ पर व्यवस्थाएं होती है? जी, हमारे को सिहान अमेल लश्करी सर आपके। जी, कैसे कैसा नेचर है, किस तरह से सिखाते हैं आपको, क्या इसके फायदे बताते हैं? जी, हमारे सर जो हैं पूरे वर्ल्ड में एक हैं, उनके जैसा कोई कराते से तो कोई कुछ भी नहीं सिखा सकता। आपका नाम? मेरा नाम माही धर्मेंद्र घारू है। आप भी जा रहे हैं? जी हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। कब जाएंगे और कैसा क्या रहेगा, कैसे आपको सूचना मिली? जी, थाईलैंड सोतोकोई कराते एसोसिएशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कराते चैंपियनशिप होने वाली है 3 व 4 सितंबर को, जिसमें मुझे चयनित किया गया है। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हाल ही में मैंने DSM MP अकेडमी में टूर्नामेंट खेला है जिसमें मैंने मेडल निकाला है। अभी मैं देश के लिए मेडल निकालना चाहता हूँ। मेरी और मम्मी पापा और मम्मी का मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, उनका हमेशा मेरे ऊपर सदा आशीर्वाद बना रहे। क्या है क्लास का नाम, आप इंदौर में कहाँ सीखते हैं और कौन है आपके सर, कैसे होता है सब कुछ? जी, मैं एलिट स्पोर्ट्स एकेडमी में सीखता हूँ, जो कि बहुत अच्छी एकेडमी है, और मेरे कोच का नाम शिहान अमेर लश्करी है। अभी इसके पहले कहाँ कहाँ हो गया है? जी, मैं गोवा, नैनीताल, शिमला, ग्वालियर में मैंने गवर्नमेंट मैच खेला है स्काई का, जिसमें मेरी स्कूल की फ़ीस माफ़ हुई है दो सालों की, और मैंने दिल्ली में नेशनल खेला है, जबलपुर में नेशनल खेला है कोशिकी का, और फेंसिंग खेला है DSY MPW एकेडमी में। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा जैसे भी मैकेनिक है। कहाँ रहते हैं आप इंदौर में? इंदौर में हम 13-14B गुमास्ता नगर में रहते हैं। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आप? मैं बड़ा होकर बस इतना कर सकूं कि मम्मी पापा को अच्छे से रख सकूं और अच्छे से।
कितने भाई बहन हैं आप? मेरा एक बड़ा भाई है। कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? मैं टेंथ में गया हूँ अभी। ओलंपिक खेलना चाहेंगे आप? जी, 2028 में मेरा ये सपना है कि मैं ओलंपिक खेल पाऊँ कोशिकी में। अच्छा, सरकार जो आत्मनिर्भर योजनाएं चला रही है और बच्चों के लिए भी, गेम्स के लिए भी, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही चला रही है सरकार आत्मनिर्भर। लड़कियों को सबसे ज़्यादा सीखना चाहिए ये कराते, जिसमें कभी भी कुछ भी हो तो लड़कियों को हर बार डरती है, मगर अब डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये खेल खेलने से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। लड़के भी बन सकते हैं और लड़कियाँ भी बन सकती है। और आप जैसे भाई भी सीख रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम करण साहू है, मैं एलिट स्पोर्ट्स अकेडमी का छात्र हूँ। थैंक यू। देश से बाहर एकदम कैसा लगता है? इतनी दूर आप कैसे पहुंचाएंगे बच्चे को? जी लगता तो अच्छा नहीं है, लेकिन उसके आगे बढ़ने के लिए तो हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा उनको। ऐसे आज के दौर में जो लड़कियों के साथ जो गलत गलत काम होते हैं, छोटी छोटी लड़कियों के साथ, और आपकी बच्ची थाईक्वांडो, कुरुक, कराटे वगैरह सीख रही, जो आत्मरक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्या कहना चाहेंगे आप दूसरे पेरेंट्स के लिए? दूसरे पेरेंट्स के लिए ये चाहेंगे कि जैसे हम बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी लड़कियों को उसके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंट बढ़ाएँ और आगे बढ़ाएं। आपका नाम? उर्मिला धारू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।